इस न्यूज के प्रायोजक हैं महराज हज और उमरा टूर्स, मरकज मस्जिद ऑफिस नंबर 3, किडवाई चौक, सोलापुर। आज बुधवार दिनांक 3 मई 2023 को केएमसी गार्डन सोशल हाई स्कूल के सामने मुस्लिम बादशाह पेट के यहाँ पर केएमसी चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट सोलापुर और सोलापुर जिला खादिमुल हुज्जाज हज कमेटी की तरफ से एक दिन का हज ट्रेनिंग कैंप रखा गया, जिसमें सोलापुर शहर और जिले से 600 हाजियों ने सुबह 9 बजे से 5 बजने तक हज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। हाजी उस्मान जमादार ने हज के दौरान अरकान की मालूमात देते हुए किस तरह उमराह और हज करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी इस हज ट्रेनिंग के कैंप में दी। इस कैंप के दौरान आरिफ शेख, माजी महापौर शकील मौलवी, हाजी उस्मान जमादार, हाजी यूनुस शेख, हाजी अल्ताफ सिद्दीकी, मोहम्मद शफीक रसभरे, इरफान पठान, सभी हाजी लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान संयोजक मुबीन सैयद, अध्यक्ष केएमसी चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और आरिफ शेख, हाजी यूनुस शेख, शकील मौलवी, मुबीन सैयद ने लोक प्रधान न्यूज चैनल से ट्रेनिंग कैंप के ताल्लुक से क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। केएमसी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इसके संयोजक मुबीन डॉक्टर बशीर सैयद ये है, इनकी जानिब से केएमसी गार्डन में आज जो हाजियों का कैंप रखा गया, इस कैंप में अच्छी तादाद में हाजी मौजूद है। पूरे शहर सोलापुर के शहर से और ज़िले से हाजी मर्द हजरात और औरतें आए हुए हैं। एक अच्छा इंतज़ाम यहाँ केएमसी गार्डन में और उनके ट्रस्ट की जानिब से हुआ रहा है और हमारे उस्मान जमादार सर और उनके अल्ताफ सिद्दीकी, हमारे मौलवी साहब सैयद रजभरे, हमारे गाजी उस्ताद जी, हमारे दोस्त और हमारे हाजी जो हमारे साथ आने वाले हैं, हमारे बिरादर साहब और जो पुलिस है जो एक हाजी होगी वो भी खिदमत करते हैं, हमारे पठान साहब, रियाज कामरे, अशफाक भाई, यहाँ सभी ने जिम्मेदारी से ये हाजियों की कैम्प का इंतज़ाम किया और सभी लोग यहाँ मिलजुल कर हाजियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर कर उन्हें कोई तकलीफ न हो और हज के दौरान जो भी अरकान है वो अरकान सही तरीके से अपने ये कैंप के अंदर उसका फ़ायदा ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हाजियों को, यहाँ हाजी आए हुए हैं, मैं उनका पीएमसी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उनका स्वागत करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनका हज आसान। आज 2023 के हज के पहले कैंप में सब लोग हमारी दावत को लबैक कहकर हाजिर रहे, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हाजियों को तंदुरुस्ती के साथ, आसानी के साथ उनका हज हो, ये दुआओं के साथ अपनी खत्म करता हूँ। रहमतुल्लाह बरकातुहु। एएमसी खाजा वंदना, खाजा गरीब नवाज चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता साल भी यहाँ हज का कैंप का इंतज़ाम किया गया था। ये सिलसिला हमेशा भी चालू रहेगा। एएमसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे सदर मरहूम डॉक्टर बशीर सैयद और उनके लड़के मुबीन डॉक्टर बशीर सैयद ये ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से यहाँ हाजियों का ट्रेनिंग कैंप का पूरा इंतज़ाम किया गया। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, पूरा हाजियों को दोपहर के में खाने का, सुबह कोल्ड ड्रिंक का और हर इंतज़ाम यहाँ किया गया है और हमारे उस्मान जमादार सर हज के पूरे अरकान कैसे आसान तरीके से समझा कर हाजियों को देने जा रहे हैं। पूरे हाजी ये हो गए यार, ये बारी ज़्यादा ज़्यादा है, करीबन सोलापुर शहर और जिले से 550 से ज़्यादा हाजी जेंट्स और लेडीज हजरात यहाँ ट्रेनिंग कैंप के अंदर ट्रेनिंग लेने आए हैं और ये उनका हज आसान हो, ऐसे मैं अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करता हूँ। और जो इंतज़ाम किया गया हमारे मुबीन सैयद और उनके जो वालिद साहब हैं मरहूम डॉक्टर बशीर सैयद, इनको इसका सवाब मिले, ऐसे अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करते हुए मेरे दुआ खास करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सोलापुर में ये खादिमुल हुज्जाज हज कमेटी जो हमारे सोलापुर की है काम करते हैं, इसमें सब लोग मिलकर आज ये हाजियों का पहला कैंप है
ऐसे 4-5 कैंप लेते हैं। ये कैंप पहले आज लिया जा रहा है और पूरे शोलापुर ज़िले के इसमें 600 लोग हैं, जिसमें हज कमेटी के भी लोग हैं और टूर के भी हैं। अब ये कैंप में अंदर जो लिया जाता है, ये कैंप ये हमारे मोबीन भाई का कैंप से जो गार्डन है सोशल स्कूल के सामने, यहाँ लिया जा रहा है। आज पूरे लेडीज़ और जेंट्स दोनों मौजूद हैं और आज के कैंप में सबसे पहले इनको जो हज में आने वाली जो अरकान लिए जाते हैं, सबसे पहले उमरा करते हैं हाजी। उमरा कैसे करें, उमरा के फ़राइज़ वाजिबात और उमरा कैसा करें थेरी बताई जाती है, और उसके अलावा अहराम बांध कर प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ पर उमरा किया जाता है ताकि साथियों को समझ में आता है। फिर इसके बाद बीच की छुट्टी हो गई, अभी खाना चल रहा है। खाने के बाद में हज के 5 दिन, हज जो है 5 दिनों में होता है, 8 ज़िलहज्जा, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिनों में हज होता है। हज में कहाँ दिन कैसे गुजारना है, कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, ये सारी चीज़ें हाजियों को बताई जाती हैं, और 5 दिन कैसा गुजारना है ये भी सारी चीज़ें इनके सामने आती है। मीना, अरफात, मुजदलफा और शैतानों को कैसे कंकर मारते, कुर्बानी कैसे करें और तवाफ़ ज़ियारत किस तरह से करें, भीड़ जाए तो कैसा करें, कब जाएँ कब ना जाएँ, ये सारी चीज़ें हमारे हाजियों को बताते हैं। हमारा हाजी अनपढ़ क्यों ना हो लेकिन हज पर जाए तो इत्मीनान के साथ हज करता है, और ऐसे आदमी जिसे हज मालूम नहीं उनका भी हज दुरुस्त कराता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 36वां साल चल रहा है। यहाँ के हमारे हाजी हज पर जाने के बाद कई लोगों को मदद करते हैं, खिदमत करते हैं। ये सारे चीज़ें हमारे शहर में बहुत से लोग खिदमत भी करते हैं, ये हाजियों के अंदर काम करने वालों के अंदर, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे ये लोग प्रधान वाले लोग और ये हमेशा न्यूज़ में लेते हैं, इनका भी जज़ाकार। ये सारी चीज़ें शहर में भी पहुँचते हैं, अतराफ भी पहुँचते हैं, लोगों को सारी चीज़ें मालूम होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और भी इसके कैंप 3-4 होंगे, आखिरी कैंप हमारे शोलापुर का होगा 4 जून को। ये हमारे माजी महापौर इनके महापौर आरिफ भाई के बाद होगा, ताज सोशल ग्रुप की तरफ से होगा, वो आखिरी कैंप होगा और उसके बाद में हाजी रवाना होंगे। ये सारी मालूमात ये हमारे यूनुस भाई हैं, अल्ताफ सर हैं, ये सब मिलकर मेहनत करते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो नज़र नहीं आते पर्दे पर, बेचारे खिदमत करते हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और आपके आने को भी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र राज्य हज समिति से सोलापुर जिले से जो हजी लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 500 से ज़्यादा हजी लोगों का नंबर लगा है, और इंशाल्लाह इस साल हम 500 हज कमेटी जाने वाले और 100 प्राइवेट टूर से जाने वाले। पहला कैंप मुनक्कित किया गया आज सुबह 9 बजे शाम में 5 बजे तक PMC गार्डन में मुबीन डॉक्टर बशीर सैयद इनके तरफ से। ये कैंप मुनक्कित किया गया था मुबीन डॉक्टर बशीर सैयद के जेर एहतमाम में कैंप मुनक्कित किया था। तो इस कैंप में पूरे 600 हाजी सुबह 9 बजे शाम में 5 बजे तक मुनक्कित हाजिर होकर हज कमेटी के पूरे अरकान हम इसमें बताए गए, और महाराष्ट्र राज्य हज समिति हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं हाजी को फॉलो करना है, हज को जाने का सफ़र किस तरह से किया जाता है, सामान कैसे ले जाया जाता है, बॉम्बे एयरपोर्ट में क्या करना है, जिद्दा एयरपोर्ट में क्या करना है, मक्का में 30 दिन, मदीना में 10 दिन जो मुकाम क़याम रहता है उस वक्त क्या करना है, कमरों में हज के 5 दिन मीना से लेकर अरफात मुजफ्फर तक क्या करना है, इसकी पूरी मालूमत दी जाती है, सामान की पूरी मालूमत दी जाती है। इंशाल्लाह इस साल जो हाजियों को हमने मालूमत किया पूरा ट्रेन किया हुआ है, और इसमें हमको जो है हमारे शोलापुर के लोक प्रधान न्यूज़ के साथ और दूसरे भी न्यूज़ चैनल है पूरे हमारे जिले तक हमारी बातमी पहुँचाने का न्यूज़ चैनल के जरिए से किया जाता है। हम सब पूरे न्यूज़ चैनल और जो खिदमत इजाज कमेटी शोलापुर जिला खाद्य इजाज कमेटी की तरफ से हमें शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे PMC चैरिटेबल ट्रस्ट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी कैंप मुनक्कित किया, हाजियों का इंतजाम किया, उनकी तरफ से गार्डन और खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे। इतना कहते हैं शोलापुर।